भाई साहब हमें तो सब ये कह रहे थे ये इतनी छोटी बच्ची को कहाँ लेके जाओ, वहाँ तो 2-4 दांत कम। जी 6 महीने की बछड़ी इनाम कितने का दिला के लाई, एक बार ये सब भाइयों को दिखाओ। भाई देख लो अगर दिख रहा हो तो 31,000, ठीक है ना, एक खाते में आए होंगे सारे पैसे। हाँ जी नमस्कार सभी भाइयों को, किसान एवं पशुपालन यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। एक और वीडियो गोयला गांव से मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से लेके आया हूं आप सभी भाइयों के लिए, जो कि यह है साहिवाल बछड़ी के बारे में। भाई जी से इसकी डिटेल लेंगे और देखो इनाम भी लेकर पकड़ के खड़े हुए भाई जी, कहाँ से लेके आए वो भी पूछेंगे इनसे। भैया नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। भाई जी अपना नाम बताओ। भाई मेरा नाम बाबूराम। बाबूराम नाम है। गाँव गोयला तहसील बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, ये बछड़ी ही लाई थी जी इनाम जीत के जो आप हाथ में ले रहे हैं। हाँ जी भाई साहब। ये बछड़ी भाई जी कितने दिन महीने की होगी पहले तो ये बताओ। ये भाई उस टाइम ये 6 महीने की थी। उस टाइम ये 6 महीने की थी, आज ये होगी 8 की। ये 7 महीने की, 8वें लग गई। हाँ 8वें में लग गई। भाई जी 6 महीने की बछड़ी इनाम कितने का दिला के लाई, एक बार ये सब भाइयों को दिखाओ। भाई देख लो अगर दिख रहा हो तो 31,000, ठीक है ना, एक खाते में आए होंगे सारे पैसे। हाँ जी ठीक है। कौन सा स्थान हासिल किया था राहुल भाई बछड़ी ने? बछड़ी का था जी सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन आई थी 6 महीने तक की जो जितने भी गाँव थे, क्या था उसमें जो है दो से चार दांत की तो रिंग थी। दो से चार दांत की रिंग थी, ठीक है। ये अकेली ऐसी बछड़ी थी जो 6 महीने की उस रिंग में खड़ी थी। अच्छा जी जी। दो से चार दांत वाले के साथ खड़ी थी। दो से चार दांत वालों के साथ में खड़ी थी। और ये जो है आप इसकी ट्रॉफी देख सको। बिल्कुल बिल्कुल, लो भाई ट्रॉफी देखो। सेकंड पोजीशन की बछड़ी लो, एक बार आप पकड़ के हाथ में खड़े हो, लो देखो भाई ट्रॉफी। मतलब एक बछड़ी ने कितना नाम कर दिया जी, है नहीं जी। इसका जो सर्टिफिकेट है हाँ, वो हमने जो है जड़ने के लिए फोटोग्राफर को दे रखा है, उसने अभी दिया नहीं हमें। हाँ भाई उसे आया नहीं। उसे तुम दीवार पे लगाओगे ना टांगने के लिए तो वो भी आ जाएगा थोड़े दिन। इसीलिए जो है ये जो इसका 31,000 रुपए का वो है। हाँ ये दिया, ये इनाम राशि जो इसे भाई मिली थी, इनाम राशि का भुगतान देख लो जी। ठीक है, अब एक बार बताओ ये बछड़ी खरीद के लाए कहीं से है या घर की है, कैसे क्या मतलब? ये भाई अपने घर की है। ये आपके घर की है? इसकी माँ? ठीक है भाई, इसकी माँ देख लो आप स्क्रीन पर चल रही होगी, ये इसकी माँ। कितनी माँ दूध देता है इसका भाई? इसकी माँ कितना दूध? 18+ दूध देता है। कौन से ब्यात में है? सेकंड ब्यात में। 18 तीसरे ब्यात प्रेग्नेंट, तीसरे ब्यात के लिए प्रेग्नेंट है। और इसका फादर साइड, इसका बाप? भाई मैंने बता दिया जो हरियाणा का चैंपियन नंदी बोल था उसकी बछड़ी है। ठीक है भाई देख लेना इसका फादर साइड, अगर मुझे मिल गया इसके बाप की फोटो तो मैं आप सभी भाइयों के लिए स्क्रीन पर लगा दूंगा, वरना नहीं लगा पाऊंगा। पर भाई बछड़ी की देखो एक बार, आप सामने से हट जाइयो एक बार, मैं यहीं कैमरे पर दिखा दूँ, वैसे तो भाइयों ने देख ही ली होगी। देख लो भाई, मतलब माड़ा वाड़ा फिरा रखी पीतल की, और भाई घुंघरू भी घोड़े वाले ले रही। तो वैसे जो ऐसे आप तजुर्बेदार हो या फिर शौक शो में बस ऐसे ही अगर लोगों ने कहा कि अच्छी बछड़ी है? नहीं जी, अपने उससे ही पाली हमने, अच्छी इधर का यूज की मांग कराई थी हम। अच्छा। से नहीं लेकर गए भाई जी, बिल्कुल अपने तजुर्बे से लेकर गए। बछिया में जो है फुल कैरेक्टर है। हाँ नहीं वो तो हाँ बिल्कुल प्योर साहिवाल, प्योर साहिवाल में कैरेक्टर हो ना, कैरेक्टर सारे इसके अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ने भी कह रहे थे कि नहीं इसका नंबर कहाँ से आ गया, कुकर आ गया। अच्छा वो तो हाँ उन लोगों को कह देते, छीन के लाया आया हूँ मैं भाई। मैं तो बता भाई, बता दू। हाँ बताओ भाई, आगे आने वाले जो मेले होंगे जो अक्टूबर नवंबर से शुरू हो गए ना, हाँ हर मेले में यह बछड़ी जो है आपको दिखाई देगी साहिवाल के कंपटीशन में। चलो भाई ये एक तो चुनौती समझ लियो, या भाई अपने लिए ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं तो इसलिए कह रहा था भाई जब बछड़ी जागी। और भाई जिसके देखो वीडियो बनाने का राहुल भाई मकसद क्या है, वीडियो बनाने का ये मकसद है भाई, आम ही तो किसान है, है नहीं? जो मैंने बोली ना, हाँ। ये किसी भाई को चुनौती नहीं, नहीं 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 ये केवल इसीलिए बोल ली। अब एक आम किसान भी जो है मेले में जा सके, अपने पशुओं को चैंपियन देख सके, बना सके, ठीक है, ये केवल इसलिए बोली। बिल्कुल भाई को कोई चुनौती नहीं। तो भाई जी बस मेरा वीडियो बनाने का तो देखो यही मकसद है, कितनी सुंदर बछड़ी है छोटी सी ने इतना बड़ा नाम कर दिया। मतलब वहाँ जो मुजफ्फरनगर के MP हैं, सांसद जी हैं, संजीव बालियान जी से इन्हें इनाम प्राप्ति हो गई बछड़ी के लिए। तो कोई भी कर सकता है, अगर अच्छे बीज का, अच्छे सांड का, अच्छी नस्ल का चुनाव करोगे तो ये भाई, अगर ये भाई ने कर दिया तो देखने वाले जितने मेरे भाई घर में बैठ गए YouTube पे जैसे भी फोन से वीडियो देख रहे होंगे, आप भी कर सकते हो। बस ये है, हौसला मत तोड़ो अपना। शुभम भाई कोई भी कर सके, एक आम किसान, छोटा किसान भी जो है अपने
लेकिन तो जब ये इनाम ले आई तो आपको पहले भरोसा था कि बछड़ी इनाम ले आवेगी यार? भाई साहब हमें तो सब ये कह रहे थे कि ये इतनी छोटी बच्ची को कहाँ लेके जाओ, वहाँ तो 2 से 4 दांत का कंपटीशन है। हमारे राहुल भाई ये कह रहे हैं भाई हम एक बार मतलब मैं दिखाने जा रही बच्ची, वहाँ जाके भी यही मालूम लगा कि मैं 2 से 4 दांत की छोटे का नहीं रिंग मगा भाई, हमेशा अपनी बछड़ी को रिंग में खड़ी करेंगे, नंबर आओ या मत आओ भाई। वहाँ से जाकर बाबा ठीक है, इतना मंत्री जी ने हमारी बच्ची का मतलब भाई ये कहा भाई बहुत अच्छी बच्ची है, तारीफ करी भाई। हमें फर्स्ट इनाम तो वहीं मिल गया था। अच्छा जी। और फिर हमारी बछड़ी का जब नाम बोला भाई फिर तो नारा ही हुआ था। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप भाई एक आम किसान का, आम पशुपालक का, देखो इनको और भी पशु हैं, धीरे 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 नस्ल सुधार हो रही है। एक कटड़ी और है, वो भी मैं इस वीडियो के आखिरी में दिखा दूंगा, M29 की। पर भाई जो मेन फोकस था, जिसने इतना नाम और मान दिया, सम्मान दिलाया, उसके लिए वीडियो बनानी थी। तो भाई जो मैं आप सभी भाइयों को कह रहा था, कटड़ी भी है भाई जी के पास। तो भाई जी इस कटड़ी का क्या रिकॉर्ड है, क्या है, कहाँ से खरीद के लाए, घर की है? ये तो भाई अपने घर की है। घर की है, इसकी माँ कहाँ है? माँ हमने सेल कर। कितने की बेची थी भाई? भाई 1 लाख 10,000। 10,000 कितना दूध देती हो भाई? हमारा सेकंड टाइम है, 15,000। सेकंड टाइमर में 1,10,000 की दे दी। अब उसे लेने चले जाओ अगर वो नहीं मिलती तो मैं दोगी भी नहीं मिलती। ठीक है तो भाई, और ये उसकी कटड़ी खार के की थी जी? खार के की थी कटड़ी? हाँ ये पहले ब्यांत में, पहले ब्यांत में भाई M29 की थी। इसे गौर से देखो मेरे देखने वाले भाई, M29 पुराना बोला है, आपने उसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट देख लिए, उसे देख के बता सकते हो, कंपेयर कर सकते हो उसकी ब्रीड को कि जो हमने देखी थी M29 की है या नहीं है। ये देखो आप इसका सींग देखो, आज तक तो सींग छिड़वाया भी नहीं शायद इसका इन्होंने, जो मेरा ज्ञान कह रहा है। छिड़वाया गया भाई इसका? ना जी, कोई सींग नहीं बना इसका शायद आज तक, क्योंकि नेचुरल सींग है। ठीक है, एक मिनट में पीछे से अगर भाइयों को दिखा दूं, ये देख लो भाई कटड़ी का कितना खड़ा पुट्ठा है। ठीक है ना, छोड़ दो। देखो ये जो M29 की जो पूंछ वाइट आती है भाई उसके बच्चों की, ये है। और ये देखो कटड़ी का कितने महीने की क्या बने? ये 6 महीने की। 6 महीने की, थनों का स्पेस भी ठीक ठाक बनेगा भाई इसका। तो भाई ये देखो मतलब एक आम पशुपालक, आम किसान कितनी मेहनत करता है तब जाके ऐसी ब्रीड तैयार होती है। और वैसे जो मेहनत करता है ना ये पता नहीं चलती, ऐसा हो जाती है। हैं जी सामने तो आओ, बात तो थारे से करूँगा जी भैया। तो मतलब जब बात वो ब्रीडिंग करते हो, बीज लाओ खरीद के, फिर वो पैदा हो जा पाल लो, पता भी नहीं चलता हुआ कदम को बड़ा हो गया ना जी, बहुत मेहनत करनी पड़े। पता चला रोज का? हाँ जी। अच्छा, मेहनत करनी पड़े बतेरी बतेरी। तो मतलब ऐसी मेहनत मत दिखाओ कि देखने वालों ने सोचा मैं तो कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, हम तो देखने वाले को भी कहते हम भी करो भाई। हाँ भाई, हम तो ये नहीं कहते भाई, देख मेहनत तो लगा है, पर जब लगन साथ हो जाना मेहनत के तो मेहनत भाइयों का मतलब सहयोग से उससे कर रहे। हाँ। और करा कोई, हम उसकी मदद करेंगे, हमारे बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देख लो दिखा दी आपको कटड़ी कितनी बढ़िया है। और इसकी आप वीडियो आपने चलती हुई की भी देखी होगी, घूमती हुई की देखी होगी। और वैसे जैसे जो 6 महीने की प्रेगनेंट है, कितने किस कौन से बुल से प्रेगनेंट करा रखी है आपने? शाम बाला गया सर, घर से लाए थे उसके सीमन जाके। चलो फिर तो ठीक है भाई, उस बुल का भी रिजल्ट अच्छा मिल रहा है सुनने को, और आने वाला टाइम बतावेगा। आने वाले टाइम में यहाँ मुजफ्फरनगर में कम से भी कम है शाम वाला क्या 50 बच्चे पैदा हो गए। अच्छा। हाँ जी, आने वाले 4-5 महीनों में। राहुल भाई ने बेच रखा है इतना सीमन? हाँ जी, मैंने बेच रखा है। चला, ये तो मेरी घर की कटिया आ गई। हाँ, ये तो सारी अपनी है। ठीक है, इसका तो खुद ही सीमन रखवाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बता दियो कमेंट करके भाई जी की मेहनत, भाई जी का जो जज्बा है। देखो मेले भी खेल रहा है अब, जा जो भी पशु धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, 6 महीने से 1 महीने का पशु भी भाई आने वाले टाइम में जरूर लेके जाएगा जब अच्छी नस्लें पैदा होंगी। ठीक है जी, अच्छी नस्लें पैदा होगी तो हम कहीं भी जाकर खड़े हो सकते। हाँ बिल्कुल, आप अपना लोहा मनवा सकते हो। और ये जो वीडियो दिखाने का मकसद है ना, ये नहीं है हम फेमस होना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये इसलिए है हमारा क्षेत्र भी जो है वो बढ़े इस रुझान की तरफ को, और ब्रीडिंग में जो है आगे बढ़े, नस्ल को जो है सुधारे अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, 8 किलो की भैंस ना पाल कर हम भी 15 किलो की, 18 किलो की, 20 किलो की भैंस। बिल्कुल, धन्यवाद भाइयों, कमेंट करके बता देना भाई जी की बछिया और झोटी या कटिया कैसी लगी है। आने वाले टाइम में जब दूध भी देगी हम तब भी आके इनकी वीडियो कवर करने के लिए तैयार हैं, अगर ये हमें बुलाऊंगे। धन्यवाद भाइयों।